हाय DSSSB के एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया था और आपको सजेस्ट भी किया था कि इस वीडियो को आप ट्विटर पे शेयर करिएगा और आप लोगों ने ऐसा किया भी। अब हम इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाने जा रहे हैं और अब हमने एक पिटीशन रेज करी है इसके रिगार्डिंग ताकि एज रिलैक्सेशन मिले DSSSB में आप लोगों को, जो लोग भी 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कोविड के टाइम में और वैकेंसीज ना आने के टाइम में और उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ जिस पे आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। ये लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही लिंक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। जो लोग भी हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो देखो, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जो कि है change.org का, और उसके बाद आपको हमारी ये पिटीशन दिखाई देगी जिसमें इसका टाइटल हमने दिया हुआ है KVSPRT एज रिलैक्सेशन फ्रॉम 30 to 35 या 40 ईयर्स ड्यू टू कोविड एंड लेस वैकेंसीज। और देखिए, अभी तक 9 लोगों ने इस पिटीशन को साइन भी कर दिया है। उसके बाद इस तरह से आपको आ जाएगा यहाँ पे साइन दिस पिटीशन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, बस 2 मिनट का काम है। जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों से आप इस पिटीशन को साइन कराइएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा। फिर देखिए व्हाई दिस पिटीशन मैटर्स। तो हमने यहाँ पे पिटीशन के बारे में लिखा हुआ है कि अक्षयज एकेडमी डिमांड करती है एज रिलैक्सेशन फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम या कोई वैकेंसी नहीं थी कोविड के वजह से और कई सारे बच्चों ने 30 साल की एज को क्रॉस कर लिया है जिसमें उन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का DLED कर रखा है, BTC जैसा कोर्स कर रखा है और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है किसी भी देश भर के PRT लेवल के एग्जाम में। इन अदर स्टेट, जो भी अदर स्टेट हैं उसमें जो एज क्राइटेरिया है PRT और JBT का वो 40 से लेकर 42 साल तक का है। तो कृपया करके इसको आप दिल्ली में भी चेंज करें या फिर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें 2024 की वैकेंसी में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आएगी आपकी, रीज़न फॉर साइनिंग। यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि आप इस पिटीशन को क्यों साइन कर रहे हैं। 1 या 2 मिनट आपका लगेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट योर सिग्नेचर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे पिटीशन आपको साइन करने के लिए, तो आपको अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक Gmail ID आपको अपनी डाल देनी है, कोई भी आप ID डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको साइन कर देंगे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही ये क्लिक होगा तो यहाँ पे इस तरह से आपकी पिटीशन साइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी पिटीशन साइन हो जाएगी और यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। और उसके बाद आप इस पिटीशन को कॉपी लिंक करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लाइन वगैरह पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लोगों से हो सके उतनी ज़्यादा इस पिटीशन को साइन कराइएगा। हम जितना हो सकेगा आपके लिए ये कोशिश करेंगे कि 30 साल से जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वो लोग भी ये DSSSB का 2024 के फॉर्म को भर सकें। देखो, आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्जाम है, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। जिस तरह से हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं, हमने ब्लॉक नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करा दिया है NIOS का। अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं, आने वाले चैलेंजेस में और आने वाले वीडियोस में आपको सारे नोट्स और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप हमसे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपको बस वाली प्लेलिस्ट को पढ़ना है और आपका पूरा पेपर 160 प्लस नंबर के साथ निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।